पर हम सावधान करेंगे आपको। चरित्र बहुत सुंदर होना चाहिए, चित्र सुंदर हो या ना हो परंतु चरित्र सुंदर होना चाहिए। हमसे बहुत लोग फोन से पूछ रहे थे मोबाइल तो कम लगता है क्योंकि यहां तो टावर है ही नहीं, यहां भर टावर है, जहां हम रोके वहां तो सिग्नल है ही नहीं। भगवान की कृपा है कि वहां केवल हमारा वाईफाई भर काम कर रहा है, हाँ बाकी सब वाईफाई जीरो है। तो हम आपको बता रहे थे कि वहां बहुत से लोग हमसे पूछ रहे थे, बोले गुरुजी यहाँ के लोग जहाँ आप जंगल में कथा कर रहे हो ऐसे लोग भी हमारे भारत में। हमने कहा भैया एक बात बताएं, इन लोगों का चित्र जरूर सुंदर नहीं है पर चरित्र इनका बहुत सुंदर है। दिखने में ये लोग जरूर थोड़ा विचित्र लगते हैं क्योंकि वनवासी हैं, लेकिन इन लोगों का चरित्र इतना सुंदर है कि राम जी 14 साल तक इन्हीं वनवासियों के बीच गुजारे हैं। और जिंदगी में याद रखिए, विदेशों में तो बड़ी आफत है। अभी हमारे शिष्य आए हैं लंदन से, ये जो परिवार बैठा ये लंदन से बैठे हैं, लंदन के ही है, वहीं रहते हैं, इनको हिंदी तो लिटिल लिटिल आती है लेकिन ये कथा में समझते रहते हैं। तो अब बुंदे यहाँ तो हम और आप आते बुंदेली बोल रहे हैं, उनके तो मूड पे हो कर जात हुई है। हाँ यू अंडरस्टैंड या ओके ओके। ये हमारे लंदन के शिष्य इन ये लोग लंदन में रहते हैं विदेश में। वहाँ पर एक सबसे बड़ी आफत है, पूछो क्या वहाँ पर एक, अब क्या कह दें, अगर कोई बुरा मत मानना, आई एम सॉरी पहले से ही कह देते हैं, वहां पर पापा की गिनती करनी पड़ती है कि ये कौन से नंबर का पापा है। हाँ 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 सच कह रहे हैं, ये हमने वहीं जा करके सुना है। वहां पर 10-12 नहीं 20-25 विवाह हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने कहा यहां हर 2 महीना में लुगाई बदली जाती है क्या? विचित्र देश है, विदेश विदेश है, भारत देश है। यहां की जो खूबसूरती है आप देखिए, ये विदेशी जरूर विदेश में जरूर रहते हैं पर ये वो बच्ची कहां है, शैलजा जब भोजन पा रही है। इन ये लोग विदेश में जरूर रहते हैं पर कभी भी मस्तक से इनके तिलक नहीं जाता, हाथ से कभी माला नहीं छूटती है। बच्ची है एक बहुत अच्छी बच्ची, अभी हम कुछ देर में आपको मिलवाएंगे, छोटी बच्ची, उसको हिंदी नहीं आती पर मस्तक पर तिलक लगाए रहती है और माला लेकर के जाप करती है। हाँ। तो विदेश में एक बड़ी आफत है। बोले क्या? बोले ना जाने कितनी शादी हो जाए, अनलिमिटेड बाउचर है वहां तो शादियों का, हाँ अनगिनत शादी कर लेते हैं, पर भारत देश है, इसलिए तो भारत विश्व गुरु है। यहां पर एक ही पत्नी के व्रत का धारण करते हैं और 7 जन्म तक जीने मरने की कसम खाते हैं। हाँ ये हमारे भारत की संस्कृति है, इसीलिए हमारा भारत महान है। महान इसलिए है कि आज भी बहुत से लोग कहते थे कि आप जंगल में जाएंगे कोई कथा सुनने नहीं आएगा, उनके मुंह पर तमाचा है ये वनवासियों की राम कथा। हाँ। जितने पंडाल में बैठे हैं उससे ठीक डबल बाहर खड़े कथा सुने। लोग कहते थे कि जंगल में रहने वालों के अंदर भक्ति नहीं होती, हम आज दावे के साथ कहते हैं जितनी भक्ति वनवासियों में है उतनी भक्ति शहर वालों में नहीं है। हाँ। शहर वाले तो शुद्ध नाटकी होते हैं, नाटकी, कुछ फोटो खिंचाने भर के चक्कर में आते हैं, और यहां जो बैठे हैं वो चित्र के चक्कर में नहीं राम चरित्र के चक्कर में बैठे हुए हैं। हाँ इन लोगों का चित्र जरूर सुंदर नहीं है पर याद रखो भारत वालों, इन लोगों का चरित्र बहुत सुंदर है। तब तो हम बागेश्वर धाम से भागवत भगवान राम कथा लेकर के वन में आए हैं। ये लोग कोई साधारण लोग नहीं है,
दिखने में जरूर सुंदर नहीं है, पर ये वो वीर हैं जिन्होंने इनके पूर्वजों ने ही रघुवीर का साथ दिया, वही वीर हैं। हाँ, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं मेरे पागलो, आपका चित्र सुंदर हो या ना हो, चरित्र जरूर सुंदर होना चाहिए। चित्र का तो क्या, ये तो डेंटिंग पेंटिंग है। आज के जमाने में जो जितना डेंट पेंट कर ले उतना सुंदर। हाँ, चित्र तो बदलता रहता, चरित्र एक ऐसी पूंजी है, चरित्र बढ़िया रखोगे तो भगवान के द्वार पर पूजे जाओगे। चित्र की, देखो चित्र की सिर्फ एक ही जगह उपयोगिता है, फोटो में। हाँ, फोटो के अलावा किसी काम का नहीं। बोलो सीताराम।